बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बशर्तिक आपकी खिदमत में हाजिर है। तो आज हम बनाएंगे इमली और आलू बुखारे का शरबत। एक पाव इमली ले लिया और एक पाव ही आलू बुखारा ले लिया। एक पाव इमली जो रात को भिगो के रखी थी, ये डालेंगे एक बर्तन में। एक पाव आलू बुखारा अच्छी तरह फेंट लेंगे ताकि गुदा और गुठलियां जो है अलहदा हो जाए। 1 लीटर पानी डालेंगे कढ़ाई में। 1.5 किलो चीनी चम्मच चलाएंगे। एक छन्नी ले लेंगे, ये पल्प जो है इसमें छान लेंगे। वक्फे वक्फे से चम्मच चलाते हुए गाढ़ा होने तक पकाएंगे। शरबत जो है गाढ़ा हो चुका है। चूल्हे से नीचे उतार लेंगे। ग्लास में बर्फ डालेंगे, ये शरबत डालेंगे, पानी डालेंगे, मिक्स करेंगे। पानी डालेंगे। इमली और आलू बुखारे का शरबत जो है कितना मजे का तैयार हुआ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाँ जी अबू जी, जिंदाबाद मोशर यार, मजा। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे किमची। तो बंद गोभी को काट लेंगे, नमक लगाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह पानी में उबाल आ चुका है। चावल डालेंगे इसमें, चावल पक चुके हैं, निचोड़ लेंगे। आधी इंच अदरक का टुकड़ा, 3 से 4 जो है लहसुन के बारीक काट लेंगे, पीस लेंगे। प्याज भी दरदरा सा पिस गया। गाजरें काट लेंगे। आधी मूली ले लेंगे। चावलों का पानी जो निचोड़ा था वो डालेंगे। नमक डालेंगे, सुर्ख मिर्च डालेंगे, पानी का चम्मच भर के चीनी, सिरका, सोया सॉस, अच्छी तरह मिक्स करेंगे। सब्जियां हैं ये डालेंगे, ये पेस्ट डाल देंगे ऊपर, अच्छी तरह मिक्स करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थोड़े से तेल डालेंगे ऊपर। किमची जो है बिल्कुल तैयार है। किमची चावल, वाह, यम्मी।